वो 7% के लिए भयानक कंपटीशन चलता है। मैं क्षमा के साथ बोलता हूँ, ऐसा देखने में आया मेरा अनुभव है कि अब जाहिर है कि जिसने जैसे जैसे आप अपने करियर के शिखर पर पहुंचते हैं, जहां आपको ये निश्चिंत हो जाना चाहिए था कि आप हम काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे, उस समय आपको वो 7% जो वैकेंसी रखी गई है, पार्किंग लॉट रखी है, दुनिया भर के कमीशन बना के ये ढकाना ये वो किया हुआ है, इसीलिए किया हुआ कि ताकि उनको लालच दिया जा सके। और ये लालच है, दूसरा एक और लालच होता है, जैसे भी हमारे साथियों ने कहा कि आप किसी कैबिनेट सेक्रेटरी को पास आते, वो एक ईडी वाला 5 साल तक रख रहा है, कोई होम सेक्रेटरी 6 तक, क्या ये भी तो लालच है ना? ये सारे लालच को देख के ब्यूरोक्रेसी के अंदर में ही प्रतिद्वंद्वता है कि मैं उनके करीब पहुंचू ताकि मुझे भी वो लाभ मिल जाए, मुझे भी 5 साल का टेन्योर मिल जाए, और उस टेन्योर के बाद हो सकता है मुझे मेरे लिए कोई पद सृजित हो जाए, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं ईडी के डायरेक्टर के लिए, या होने के बाद हमको और भी कुछ मिल जाए। तो ये लालच हम में है, ये ब्यूरोक्रेसी ने किसकी शपथ ली थी? एक ब्यूरोक्रेट भी जब ज्वाइन करता है फाउंडेशन कोर्स में जाता है, एक संविधान शपथ का एक पेपर होता है, सर मुझे बताएंगे, उस पर साइन करना होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये शपथ बोला नहीं जाता है, साइन किया जाता है। हर ब्यूरोक्रेट्स ने, हर आईएएस ने, हर एलाइड ने, हर सिविल सर्विस ने एक साइन किया है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए साइन किया था, वो किसी पार्टी के लिए तो नहीं किया था। तो मॉरलिटी हम में नहीं है ना? आपने उदाहरण दिया कि बरेली के एसएसपी ने रोका, चूंकि वहां पर दंगा होने की संभावनाएं थी, तो उस जो भी थे कांवड़ियों को रोका, बहुत अच्छा बात हुआ, उसका तबादला कर दिया गया, दूसरा आदमी आया, दूसरे ने क्यों नहीं रोका, तीसरे एक आदमी क्यों नहीं रोका? ऐसा कैसे संभव है कि एक जिसका तबादला हो जाता है, दूसरा आदमी तुरंत लाइन पकड़ लेता है, पैर पर गिर जाता है, क्यों गिरा वो? दूसरा भी करता, तीसरा भी करता, चौथा भी करता, अगर सारे लोग करते रह जाते तो सरकार क्या कर लेती? बिल्कुल। पावर क्या हमें किसी भी पुलिस अधिकारी को या आईएएस अधिकारी को क्या पावर क्या इनके टेलीफोन से मिलता है क्या? नेताओं के उनके पास एक्ट्स हैं, उनके पास रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, सीआरपीसी है, आईपीसी का है, वो आईपीसी क्यों नहीं यूज कर रहा है, सीआरपीसी क्यों नहीं यूज कर रहा है? कौन सा लालच उसका है, कौन सी स्वार्थ सिद्धि है जिसके कारण से वो राजनीति राजनेताओं को पैर छूता है? सर मैंने यहाँ पर देखा, मैं एक बार तमिल भवन में गया था, मतलब अम्मा जी जो समय हुआ करती थी, मतलब वर्दी में सीनियर ऑफिसर खड़े थे वहां पर, मुझे लगा कि अब चीफ मिनिस्टर निकलेंगे, जरूरी था तो सब लोग सैल्यूट करेंगे, क्या बताऊं, आश्वस्त कि सब लोग टोपी उतार के पैर पर गिर गए थे। ये मैंने अपने आंखों से देखा, किसने कहा है आपको पैर पर गिरने के लिए चीफ मिनिस्टर के? और यहाँ की बात नहीं है, बहुत सारे सीनियर अधिकारी हैं किसी भी पद को, मिनिस्टर को पहुंच आईएएस अफसर जो हुआ करते थे लालू यादव का प्रदम उठाते थे, खैनी बनाते थे, किसने बोला? आत्मसम्मान ब्यूरोक्रेसी ने खोया है। आपको इस देश में कोई भी आपको दबाव डालने की जरूरत ही नहीं है, पूरा के पूरा ब्यूरोक्रेसी बैठा हुआ है आत्मसम्मान खोने के लिए किसी भी समय। वर्दी में कांवड़ियों के पैर दबाते हुए हमने वीडियो देखे हैं भाई, उत्तर प्रदेश में। ये गलती हम में है सर, एसपी रैंक के अधिकारी, ये गलती हम में है। हम छोटे से लाभ के लिए कि हम भी हमें 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाए, या उसके बाद हमें कुछ 7% जो पोस्ट होता है आईएएस आईपीएस के लिए पोस्ट रिटायरमेंट, उसका लाभ के लिए हमने समाज को खराब किया है। नेताओं को क्या दोष देते हैं आप? बिल्कुल, किस नेताओं को देश दोनों ही दोष देना ही पड़ेगा राकेश जी, क्योंकि नेताओं से हम उम्मीद करते हैं कि वो देश को लीड करेंगे, अगर वो लीड नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी लोग तो खैर उनके पीछे रहेंगे। यूपीएससी लेके आया वो लीड नहीं पा रहा है, नेता लीड करेगा। आपका आक्रोश समझा जा सकता है, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर ही है ना। मैं राकेश जी से सहमत हूँ पूरी तरह से। जिनको पूरी सुरक्षा मिलती है आईएएस आईपीएस अधिकारियों को, गाड़ी बंगला नौकर, ये तो उनके कहीं नहीं जाते। और अगर सब तय कर लें कि हमको वही करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन में और नियम में रूल में है, तो कौन चीफ मिनिस्टर जो है उनका उपयोग कर पाएगा? क्यों नहीं, ये आपका चॉइस होता है अशोक जी कि हमको किसके पैर दबाने हैं। और उस मुफसिल उस मुफसिल उस मुफसिल पत्रकार से ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है जो स्ट्रिंगर होता है उससे ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है, जिसको जब चाहे तब डिसोन कर दे हमेशा। हमारे आजाद साहब ऐसे बेहतरीन अफसर है कि इन्होंने भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कई किस्से मालूम है मध्य प्रदेश में, इसीलिए हमारे साथ है गर्व। राकेश जी,
राकेश जी दिक्कत यह है कि आजाद साहब जैसे लोगों को सुपर सीट कर दिया जाता है, इनको इनको शंटिंग पोस्टिंग दे दी जाती है, तो इसलिए आप तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग तो पत्रकारिता के बारे में भी जानते हैं क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन जाके पैरों को छूता है, चरण स्पर्श करता है, और बेशर्मी के साथ किस तरीके से वो जो लोग ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं उन पर उनके ऊपर टिप्पणियां करते हैं, तो जब पूरे कुएं में अगर भांग मिल गई है तो फिर क्या कहा जाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।